भगवान का नाम जब आप करते हैं और इस कदर उस नाम में खो जाते हैं तो ये नाम धीरे 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 आपके अंदर इस तरह से विलीन होने लग जाता है, इस तरह से लय होने लग जाता है कि ये पहले आपके अंग अंग में जाएगा, फिर आपके नसों में जाएगा, फिर ये आपकी हड्डियों में समाने लग जाता है। क्या अभी कभी आपने ऐसा भी सुना है कि इंसान मर गया और मरने के बाद उसकी हड्डियों से आवाज़ आती हो? हाँ प्रेमी भक्तजनों, नाम में इतनी ही शक्ति है, इतनी ही ताकत है, इतनी महिमा है इस नाम की, क्योंकि भक्तजनों भगवान को नाम के पीछे आना ही पड़ता है। यह सिद्धांत है और ये अटल सिद्धांत है, परंतु भगवान के पीछे नाम आ जाए ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। सच्ची घटना के द्वारा कि किस तरह से हड्डियों से आवाज़ आती है। प्रेमी भक्तजनों, दक्षिण में पंडरपुर है, वहाँ पे बहुत नामी संत हुए हैं, नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज आदि। और एक दक्षिण में मंगलबेड़ा गांव है पंडरपुर के पास ही, वहाँ पर चोखा मेला नाम का एक भक्त रहता था और वो विट्ठल विट्ठल करके भगवान के नाम का जप करता था। तो बेचारा गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। तो एक घर बन रहा था गांव में, वहीं पे वो मजदूरी कर रहा था, तो अचानक से वो मकान गिर गया और मकान गिरते ही जितने भी आदमी उस समय उस मकान में काम कर रहे थे वो सभी दब गए और दबने के कारण उन सब की मृत्यु हो गई। तो प्रेमी भक्तजनों, मृत्यु हो गई, उनको निकालने का कार्य शुरू किया गया। तो प्रेमी भक्तजनों, निकालते निकालते महीने बीत गए, तो जिनको पहले निकाला गया उनकी तो मतलब बॉडी को देख के पहचान हो गई कि ये उस नाम का आदमी है, लेकिन जब जो बाद में निकले सबसे नीचे दबे हुए थे और कई महीने लग गए तो उनकी बॉडी को कोई कैसे पहचानता, क्योंकि वो तो गल गई और हड्डियाँ रह गई। तो भाई फिर ये सवाल उठा कि अब इनकी पहचान कैसे होगी? तो नामदेव जी ने कहा कि इस हड्डियों को कान से लगा के देखना कि चोखा मेला की तो पहचान मैं बता सकता हूँ। अगर हड्डी को तुमने कान से लगा के देखा और विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आएगी तो वो हड्डियाँ चोखा मेला की हैं। बड़े हैरान हुए सब कि हड्डियों से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज़ कैसे आ सकती है। तो प्रेमी भक्तजनों, वहाँ पे जो हड्डियाँ थी उठा के देखें, जिसमें से आवाज़ नहीं आए उसको दूर रख दें, और दूसरी उठाई उसमें से आवाज़ आई विट्ठल विट्ठल, तो भाई ये हड्डी चोखा मेला की है। ऐसे ही सारी हड्डियाँ चेक की और जिन जिन में विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आ रही थी उन हड्डियों को एक तरफ रख दिया गया कि भाई ये चोखा मेला की हड्डियाँ हैं। तो प्रेमी भक्तजनों, कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी अद्भुत बात है कि मरने के बाद भी हड्डी से नाम निकलता है। भगवान का नाम लेते लेते भक्त नाम में ही हो जाते हैं। ना कुछ लेना ना कुछ देना, राम नाम में मस्त रहना।